सभी बच्चों को प्रणाम। हरीश जी, अवस्थी जी, सुपेकर जी, अमर उजाला के पूरी टीम जो यहाँ पे लगी हुई है, उनको भी बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद कि हमको आमंत्रित किया यहाँ पे इतने सारे बच्चों से बात करने के लिए। सुबह अमर उजाला का एक बहुत बढ़िया वीडियो देखने को मिला, उसके लिए भी धन्यवाद। मेरे ख्याल से बच्चों के लिए बहुत अच्छी जानकारी उसमें छोटे से वीडियो में थी। जो मंच संचालन कर रहे थे, उन्होंने अखबार के बारे में कई तारीफ की, और मैं समझता हूँ कि उसमें एक चीज़ जो छूट गई वो अखबार की सुगंध। जब हम उसको ऐसा सुबह सुबह खोलते हैं तो जो सुगंध आती है उसमें से, प्रिंट मीडिया की और इंक की, उस सुगंध से दिन शुरुआत होता है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि अखबार रहना चाहिए और रहेगा। तो अमर उजाला को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बात करेंगे, थोड़ा सा चिंतन करेंगे इसके बारे में, टेक्नोलॉजी डे है, भारत कहाँ पे है, किस स्थिति में है हमारा देश, और तकनीक के क्षेत्र में क्या कमियाँ हैं हमारे समाज में, उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे। बच्चों को भी, मैं बच्चों को ही मुख्य तौर पे बोलना चाहता हूँ, और उनके थ्रू जो उनके अभिभावक होंगे या टीचर्स होंगे, उन तक भी अगर ये संदेश पहुँच सके तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी डे का कार्यक्रम जो है वो सफल होगा। तो जो PPT बनाया है वो अंग्रेज़ी में है, लेकिन मैं इंग्लिश में बात करूँगा, तो मेरे ख्याल से बच्चों को भी मज़ा आएगा। तो चालू करते हैं। जो टॉपिक है वो एक जर्नी है, मैं एक आपको एक जर्नी के थ्रू लेके जाऊँगा, एक यात्रा करेंगे हम लोग साथ में, और उसमें जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो हैं कुछ दिखाऊँगा मैं आपको, और फिर जुगाड़ के बारे में बात करेंगे, और इन दोनों में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, कैसे अमित जी ने जैसा प्रस्तावना रखी उसको हम उस संदेश को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें न्यू एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी विल सी सम ऑफ देम। फिर एक जर्नी करेंगे किलोमीटर रेंज से नैनोमीटर तक, जो लेंथ स्केल होता है, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो कुछ टेक्नोलॉजीज जो हैं वो स्पेस के लेंथ स्केल पे चलती हैं और कुछ नैनोमीटर में चलती हैं, तो सारे टेक्नोलॉजीज का थोड़ा सा मैं दर्शन कराऊंगा आपको। और उसके बाद जुगाड़ और चलता है, ऐसे दो शब्द हमारे समाज में बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। तो अगर हम देखें अभी, तो कौन से ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आगे वाले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, जब आप लोग कॉलेज में पहुँचेंगे, जब आप लोग इंजीनियरिंग करेंगे, तो उस समय कौन से विषय के ऊपर चर्चा होती रहेगी, कौन से PhD के विषय रहेंगे। अगर हम एक लिस्ट बनाएं उसकी, तो लिस्ट तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन उसको मैंने थोड़ा फोकस करने का प्रयास किया है। तो फॉर एग्जांपल हाईफाई, वाईफाई, अभी 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी 6G के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। उसके बाद माइक्रोस्केल डिवाइसेज और मेम्स। मेम्स का नाम कितनों ने सुना है? मेम्स, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स, ये नाम सुना है किसी ने, बच्चों ने? नहीं सुना। तो माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स जो हैं वो बहुत सारे ऑलरेडी बाजार में आ गए हैं, मेडिकल फील्ड में आ गए हैं, और आप लोग देखेंगे कि अगले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में मेम्स डिवाइसेस जो हैं ये काफ़ी बड़े मात्रा में हमारे समाज में उपयोगी चीज़ें बन के आएंगी। नैनो टेक्नोलॉजी तो सबने सुना है, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी का अपना योगदान चल रहा है। लेजर्स एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस, आई थिंक इसके ऊपर हमारे समाज में थोड़ा सा जो है, या समझ लीजिए साइंटिफिक क्षेत्र में, बच्चों में और थोड़ा सा नॉलेज देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले आने वाले दशकों में ऑप्टिक्स यानी लाइट से कई काम होने हैं, कई काम ऑलरेडी हो रहे हैं, मैं उसके एग्जांपल्स दूंगा, और कई काम अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। उसके बाद स्पेस ट्रैवल, ऑलरेडी बात चल रही है कि अगले 10 वर्षों में एक होटल बन जाएगा जो स्पेस में रहेगा, और शायद हम LTC लेके वहाँ जा सकेंगे, तो इस प्रकार की व्यवस्था भी शायद आ जाएगी। और ये बबच्चे, मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चे जो हैं ये LTC लेके स्पेस ट्रैवल के लिए कोई ना कोई इनमें से जाएगा। साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये नाम सुना है क्वांटम कंप्यूटिंग? जोर से बोलो यस या नो। गुड। फिर बायोटेक्नोलॉजी, जीन मैपिंग, ऑर्गन एंड स्टेम सेल्स, IT, IoT, कम्युनिकेशन, डीसैलिनेशन, ये शब्द शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा। डीसैलिनेशन की भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जो है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी, पीने के पानी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, तो किस प्रकार हम सोलार एनर्जी से या किसी और न्यूक्लियर एनर्जी से भी हम किस प्रकार जो है पानी को स्वच्छ करके हम उसको चीप मात्रा में लोगों तक दे सके, इसके ऊपर बहुत काम अभी चल रहा है। फिर न्यू मटीरियल्स, एक डिफरेंट, हम
नॉर्मली सुनते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉलिड लिक्विड गैस तो है, लेकिन उन मॉलिक्यूल्स की संरचना इस प्रकार से की जाती है कि नए प्रकार के मटेरियल प्रॉपर्टीज हमको उसमें से निकल के सामने आते हैं और उन प्रॉपर्टीज का हम इस्तेमाल करके नए नए उपकरण बनाते हैं। फिर फॉर एग्जांपल ईईजी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एल्गोरिथम्स, एनर्जी स्टोरेज बैटरीज, यूनिफाइड थ्योरीज, ब्लैक होल्स, तो ये इस प्रकार का एक स्पेक्ट्रम जो है वो एक बहुत छोटा सा स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन ये टॉपिक्स जो हैं, ये टॉपिक्स आप लोगों को जब आप लोग पहुंचेंगे जब कॉलेजेस में, जब बीटेक करेंगे या बीएससी करेंगे या एमएससी करेंगे, तो इन टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ आपके सामने आने वाला है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता था। तो अभी देखते हैं कि जब एग्रेरियन सोसाइटी थी, जब एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी रहा करती थी, तो उस समय आपको शायद पता नहीं होगा, इंडिया का जीडीपी, इंडिया और चाइना का जीडीपी वाज अबाउट 60-70% ऑफ द टोटल वर्ल्ड जीडीपी। और ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, ये 400 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप डेटा देखेंगे जीडीपी का, जीडीपी है ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इंडिया और चाइना का टोटल जीडीपी वाज ऑलमोस्ट अबाउट 70% ऑफ द टोटल वर्ल्ड जीडीपी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, और उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय हमारा देश जो था वो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, और उस समय हमारा ये पूरा जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो एक बस थी वो हमारे समाज ने मिस कर दी, एंड वी कुड नॉट कोप अप ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल एरा। और ये जो मानसिकता, जो परतंत्र की जो एक मानसिकता हमारे मन में बैठी हुई है, उसका वो अभी भी हमारे समाज से निकली नहीं है, क्योंकि अभी भी हम कोई नई चीज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी बाहर वाले व्यक्ति ने की है क्या इसको, अगर उसने की है तो उनका वैलिडेशन होता है, तो हम हर समय वैलिडेशन के लिए किसी बाहर के व्यक्ति को ढूंढते रहते हैं। हमारे में इतना अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए जैसा कि इसरो ने हमको दिखाया है, जैसा कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री ने हमको दिखाया है, ऐसा हर क्षेत्र में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो नया कर रहे हैं वो इतना अच्छा है कि हमको किसी और बाहर के परतंत्र देशवासी की वैलिडेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो अब जो जिस इरा में आप लोग जा रहे हैं वो इरा है नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का। तो अभी जो सोसाइटी सामने उभर के आ रही है वो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, और इस नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में यदि हमको आगे जाना है, जो अमित जी कह रहे थे कि विश्व गुरु बनने का जो हमारा सपना है, जो भारत को एक उच्च स्थान पे ले जाने का जो हम लोग का एक समाज का पूरा एक कॉमन जो एक ड्रीम है, जो हमारा सपना है, उसको हम कैसे साकार कर सकते हैं, उसके लिए हमको काम करना होगा। और उसमें लिए स्कूल टीचर्स का योगदान और आप लोगों का जो बच्चे बैठे हुए हैं, आपने देखा हमारे साथ अनंत थे, और जब इतने विपरीत परिस्थिति में हम ये कहें, या तो उन्होंने तो उसको विपरीत नहीं कहा एक्चुअली, वो तो अपने आप में अनंत थे, तो जब ऐसी परिस्थिति में अनंत इतने ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं, इतने पॉजिटिव रह सकते हैं, 10 मिनट के भाषण में उन्होंने हमको ऊर्जा से भर दिया, हमारा रोमांच खड़े हो गए, तो हम लोग तो सब पूरे दो हाथ दो पैर के पूरे व्यक्ति हैं। तो ऐसे में ऑप्टिमिज्म को बना के रखना और नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में कैसे हम योगदान कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिवली, इसके बारे में सोचना। तो थोड़ा सा डेटा देखेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा चित्र देखेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि बैठे बैठे आप लोग भी बोर हो रहे हैं। तो हम लोग बहुत बड़ी जनसंख्या है, 1.4 बिलियन हो जाएंगे हम कुछ सालों के बाद, हम 18-20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 65% हमारा जो पॉपुलेशन है वो 35 साल के नीचे है, लेकिन जस्ट 3.5% ऑफ द कंट्री वर्कफोर्स इज स्किल्ड, यू नो, एज अगेंस्ट ग्लोबल एवरेज ऑफ 40-50%। सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। आज के जो हमारा समाज का जो बच्चे हैं वो अपने हाथों से काम करने में हिचकिचाते हैं, उसके किसी स्किल को लेने में उनको जो है वो समाज उनको हेल्प नहीं कर रहा है। जो हमारा जो परिवार का स्ट्रक्चर है, हमारे जो स्कूल का स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें कैसे स्किल सेट्स को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, ये भी मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी डे के दिन सोचने वाली बात है। द ड्रॉपआउट रेट्स जो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड शुड आई गिव यू डेटा ऑन हाउ मच फ्रेश इंजीनियर्स आर रियली एम्प्लॉयबल, शायद मैं वो डेटा नहीं देना चाहूँगा अभी, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है कि कितने लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं और उसमें से कितने एम्प्लॉयबल हैं, ये रेशियो भी अभी बहुत अच्छा नहीं है। तो इस परिस्थितियों में नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। कुछ चीज़ें जो हो रही हैं अभी समाज में वो थोड़ा सा उसके ऊपर भी सोचना चाहिए।
इन्वेंट जो इन्वेंशंस का जमाना था वो छप चला गया, अभी इनोवेशन का जमाना है। और इनोवेशन के बारे में आपने अभी कौस्तुभ से भी कुछ चीजें देखी। फिर दूसरा इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है, हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इंटरडिसिप्लिनरी को बहुत जोर दिया गया है। अभी कोई भी टेक्नोलॉजी, एक व्यक्ति अगर बोले कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ या केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं पूरा बना दूंगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इसीलिए आपको जैसा बताया जा रहा था कि हर क्षेत्र का नॉलेज होना चाहिए, वो हमको अनंत ने भी बताया कि अगर वो आपके क्षेत्र का नहीं है फिर भी आपको इंटरेस्ट से उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन होने वाला है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और प्रोटेक्शन नो हाउ, इसके बारे में अभी हमारा समाज जो है वो जागरूक नहीं है। हम लोग कुछ कुछ करते हैं लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं करते, उसके प्रॉपरली लिखते नहीं हैं, उसको हम लोग उसका पेटेंट नहीं लेते हैं। और इसीलिए जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी है उसमें बहुत वीकनेसेस हैं। हाँ, तो आप लोगों को जब बच्चों को अभी जब मैं लास्ट में आऊँगा, चलता है वाली जो मानसिकता है, हम लोग कई चीज़ें जो है वो चलता है में छोड़ देते हैं, अरे ठीक है चल जाता है। लेकिन चलता है मेंटालिटी से आप चंद्रयान नहीं भेज सकते, चलता है मेंटालिटी से आप मंगल ग्रह के ऊपर जो है वो ऑर्बिटर नहीं भेज सकते, चलता है टेक्नोलॉजी से आप इंटेल की चिप नहीं डिज़ाइन कर सकते। इसके बारे में थोड़ा बाद में चिंतन करेंगे। उसके बाद और भी कई चीज़ें हैं इस तरीके की कि भाई हाउ डू यू क्रिएट नीड्स। हाफ लाइफ पीरियड बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आती है बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस करना हमारे बच्चों को नहीं आता है। हम लोग एनालिसिस तो बहुत कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, लेकिन चार चीज़ों को जोड़ के एक चीज़ बनाना, ये स्किल अभी हमारे बच्चों में नहीं है। ओके, तो इस तरीके से अभी हम देखेंगे, अब नाउ वी विल डू द जर्नी। सो लेट अस लुक एट सम टेक्नोलॉजी इन विच इंडिया हैज मेड अ मार्क। ओके, फॉर एग्जांपल द स्पेसशिप्स एंड व्हीकल्स। ओके, यू सी एज अर्ली एज 2013 इसरो लॉन्च द मार्स ऑर्बिटर मिशन। सो इसरो इज वन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू पुश द बाउंड्रीज एंड यू नो डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी इन दैट एरिया। सो इफ यू सी यू नो दिस टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी, ये जुगाड़ से नहीं चलता है, मैं अभी बता दूँ। तो ये इसके लिए हार्ड कोर इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। ये आप देखें जो SLV ASLV PSLV के जो मेरे ख्याल से इसका रेजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं है, इसलिए टेक्स्ट आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। स्क्रैमजेट इंजन भी 2016 में सक्सेसफुली टेस्ट हुआ इंडियन साइंटिस्ट ने। उसके बाद बड़े स्पेस डायमेंशन से थोड़े छोटे स्पेस पे आएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए दानयांग कुशान ग्रैंड ब्रिज जो है, ये करीब 165 किलोमीटर लॉन्ग वायाडक्ट है जो बीजिंग और शंघाई को जोड़ता है हाई स्पीड रेलवे के साथ। रोड भी है और रेलवे भी है साथ में। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के। बड़े लेंथ स्केल से धीरे धीरे छोटे लेंथ स्केल की तरफ जाएंगे। टॉलेस्ट बिल्डिंग्स आप देखिए, आपने बहुत लोगों ने बुर्ज खलीफा का नाम सुना होगा। उसके बाद उस पहले तो पेट्रोनास टावर्स थे, पर धीरे 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 अब ये देखिए ये अभी बुर्ज खलीफा अभी इससे भी ऊँची एक बिल्डिंग ऑलरेडी तैयार हो रही है। उसके बाद लार्जेस्ट कंटेनर कैरियर, आपने यहाँ पे कानपुर में रहते हैं तो समुद्र के किनारे नहीं है, लेकिन आप देखिए ये कंटेनर एक लार्जेस्ट कंटेनर कैरियर है वर्ल्ड का जो है वो हांगकांग रजिस्टर्ड शिप है, 400 मीटर लंबा है और इसमें करीब करीब 19,000 कंटेनर्स, जो आप कंटेनर्स देखते हैं बाहर वो कंटेनर्स इसमें एक साथ 19,000 कंटेनर्स। ओके, 400 मीटर लंबा, 1-1.5 लाख टन के आसपास का माल इसमें एक जगह से दूसरे जगह जाता है। फिर थोड़ा और छोटे आते हैं, ये देखिए ये बल्क कैरियर्स हैं, ये जहाज हैं, ये कार कैरियर है MV गांटा, और ये इस प्रकार से जहाज का फोटो देखते हैं। तो ये इतने बड़े जहाज जो हैं उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है वो उसमें लग रही हैं, जो जहाज जो पानी के चलते हैं। ये क्या है, ये लार्ज मरीन इंजन है, आप देख रहे हैं। ये आपने स्कूटी का इंजन देखा है या छोटे कार का इंजन देखा है, तो ये जो बड़े जहाज होते हैं उसके अंदर इस प्रकार का इंजन होता है। हाँ, तो ये इंजन देखिए, ये करीब करीब 10 मंजिली बिल्डिंग के हाइट का इंजन है और इसमें 1 लाख हॉर्स पावर 1 लाख हॉर्स पावर पे ये चलता है। सो आई एम टेलिंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ द लेटेस्ट मरीन टेक्नोलॉजीज। हाँ, ये डीजल इंजन या हैवी ऑयल से चलता है। ये कौन है, ये लाल कपड़ा वाला कौन है, पहचाना?
पहचान में आ रहा है ये लाल कपड़े वाला कौन है? हाँ मैं हूँ। हाँ मैं 5 साल जहाज पे काम करता था ना, ऐसे पानी के बड़े जहाज पे ये काम। तो यहाँ पे क्या करता था मैं, जो मेरा नॉलेज मैंने पढ़ा था बीटेक में उसको मैं अप्लाई करता था, नहीं तो कि वहां पे केवल कागज के ऊपर काम करके काम जहाज नहीं चला सकते। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जब करते हैं तो अपने हाथ से काम करना पड़ता है ना, तब जाके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है। ये जो पानी के जहाज का जो कप्तान का रूम होता है जहाँ से नेविगेशन होता है वहाँ पे आप मेरे को देख सकते हैं। ये फोटो करीब करीब 1996 का है। एनीवे, उसके बाद गैस टर्बाइन्स, ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें भारत बहुत वर्षों से काम कर रहा है लेकिन अभी भी पूरी सफलता हमको नहीं मिली है। और गैस टर्बाइन्स जो हवाई जहाज के इंजन्स हैं, जेट टर्बो इंजन्स हैं, उसमें भी अभी भी हमारे देश में बहुत काम करने की आवश्यकता है। और एक पावर प्लांट का गैस टर्बाइन आप देख सकते हैं, इस प्रकार का गैस टर्बाइन्स की मैन्युफैक्चरिंग कम्प्लीटली अभी भी हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगले 20 सालों में जो लड़ाइयाँ होंगी वो लड़ाइयाँ सारी लाइट से होंगी। ये गोली चलाने वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्या होगा? लेज़र वेपन्स। तो अभी हम लोग DRDO की मदद से, IIT कानपुर और DRDO की मदद से हम एक लेज़र वेपन अभी इंडिया में डिज़ाइन कर रहे हैं और ऑलरेडी डिज़ाइन हो गया है। 100 मीटर दूर रखे हुए हैंड ग्रेनेड को, 100 मीटर दूर रखे हुए हैंड ग्रेनेड को लेज़र की सहायता से हम छेद कर सकते हैं, उसमें उसको हम डिफ्यूज़ कर सकते हैं, उसको हम पिघला सकते हैं। तो ये अभी आप प्रॉब्लम को समझिए। एक ड्रोन आ रहा है पाकिस्तान से, वो ड्रोन एक वेलोसिटी से चल रहा है ना, वो वेलोसिटी बदल भी सकती है, एक्सेलरेट भी कर सकता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल सकता। तो आपको ड्रोन को पहले ट्रैक करना है, इसका मतलब आपके पास एक ट्रैकिंग, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट आपको रियल टाइम में मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब वो ट्रैक कर लोगे, फिर ट्रैक करने के बाद आपको उसके ऊपर एक लेज़र फायर करना है जहाँ पे आपका ट्रैकिंग कोऑर्डिनेट है उसके हिसाब से, और फिर उसको उसी पॉइंट के ऊपर रखना है, चलते हुए ड्रोन के ऊपर उस लेज़र को उसी पॉइंट पे रखना है जिससे इनफ हीट जनरेट हो जाए कि वो जल जाए, पिघल जाए। और ये काम करने के लिए आपको 12-15 मिनट मिले हुए हैं, 10 मिनट मैक्सिमम मिले हुए हैं। तो 10 मिनट में आपको डिटेक्ट भी करना है, उसको ट्रैक भी करना है, उसके बाद उसके ऊपर लेज़र फोकस करना है, फिर वो फोकस आयन इतने छोटे लोकेशन के ऊपर होना चाहिए कि वो वहाँ पे उसकी इतनी हीट जनरेट कर ले, जैसे आप लोग लेंस से हीट जनरेट करके कागज जलाते हैं तो हाथ हिलता है, ऐसे जब हाथ हिलता है तो वो फोकस बदलता है तो लेट हो जाता है जलने में, तो वो हिलना नहीं चाहिए, लेकिन वो ऑब्जेक्ट आपका हिल रहा है और दुश्मन को भी पता है कि आप ट्रैक कर रहे हो उसको, तो वो उसको एक्सेलरेट भी कर रहा है बीच बीच में जिससे कि आपका ट्रैकिंग फेल हो। तो इतना कम रिस्पॉन्स टाइम में हमको एक लेजर गाइडेड वेपन को डिजाइन करना है, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है अभी। उसके बाद माइक्रो टेक्नोलॉजीज़ पे आते हैं, हम स्पेस से चले थे, अब धीरे धीरे हम माइक्रो टेक्नोलॉजीज़ पे आ गए। तो माइक्रो टेक्नोलॉजीज़ में देखिए ह्यूमन हेयर, ये देखिए ये ह्यूमन हेयर का डायमीटर है 50 माइक्रोन, उसके बाद 40 माइक्रोन पे ये एक फिल्टर, जो गाड़ियों में जो फिल्टर लगे होते हैं वो करीब 40 माइक्रोन के होते हैं जिससे कि जिसमें तेल पास होता है, काला हो जाता है जो। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स हमारा 25 माइक्रोन का होता है, उसके बाद 8 माइक्रोन पे रेड ब्लड सेल्स है, उसके बाद 2 माइक्रोन पे बैक्टीरिया। तो मैं क्या एक आपको लेंथ स्केल दे रहा हूँ समझने के लिए, देखिए ये फोटोग्राफ है हमारे ह्यूमन हेयर का, हाँ इसको SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में IIT कानपुर में इसको लिया गया था। ये अपने 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 ह्यूमन हेयर का एक क्लोजअप व्यू है। तो अभी ये 50 माइक्रोन है देखिए, और ये टेक्नोलॉजी देखिए, अभी बैक्टीरिया को अपने को डिटेक्ट करना है तो 2 माइक्रोन का है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, लैब ऑन चिप डिवाइसेस, ये नया टेक्नोलॉजी है लैब ऑन चिप डिवाइसेस। इसका मतलब अगर कैंसर डिटेक्ट करना है, डायबिटीज डिटेक्ट करना है, तो उसको बहुत छोटी मात्रा में माइक्रो लीटर्स में ब्लड का सैंपल लेके कैसे आप 10 मिनट में 15 मिनट में आप ये बता सकते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। अभी ऑलरेडी इस टाइप के मार्केट में प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि आप 1 मिनट में आपको बता देते हैं कि वो कितने हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत काम करने की आवश्यकता है अभी माइक्रो टेक्नोलॉजीज के ऊपर। उसके बाद आप ये देखिए, ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जब लाइट से हमने छेद किए हैं, लेज़र मशीनिंग बाय लाइट एंड इलेक्ट्रॉन बीम्स,
तो लाइट से हमने फोकस करके अल्यूमिनियम के प्लेट्स को कॉपर के प्लेट्स में हमने ये छेद किए हैं। देखिए तो अगर माइक्रो टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा तो माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग भी करनी होगी। माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम जो है वो जैसे आप लेथ मशीन के ऊपर टूल देखते हैं वो काम नहीं करेगा, हमको माइक्रोन साइज का एक टूल चाहिए। तो लाइट इज अ वेरी गुड टूल, विथ लाइट यू कैन डू मशीनिंग। ओके, ये मशीनिंग के एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ आपको कि जिसमें लाइट से मशीनिंग कैसे होती है। फिर उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, एक स्केल आपको दूंगा मैं, देखिए टेनिस का बॉल है ये 10^8 नैनोमीटर है। फिर आप जब जो पॉइंट लगाते हैं फुल स्टॉप, हाँ वो देखिए 10^6 के ऑर्डर का है। उसके बाद कैंसर सेल 10^4 नैनोमीटर्स का है। वायरस जो अभी बात चल रही है वो 100 नैनोमीटर्स के आसपास का है। उसके बाद एंटीबॉडीज 10 नैनोमीटर की हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 1 नैनोमीटर का है और वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो 10^-1 नैनोमीटर का है। तो अगर हमको इस वायरस को डिटेक्ट करना है या हमको ब्लड में ग्लूकोज डिटेक्ट करना है तो हमको माइक्रो टेक्नोलॉजी या नैनो टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा। तो नैनो टेक्नोलॉजी में कितने जीरो हो गए? नैनो मींस 9, है ना, तो उतना छोटा है। तो ह्यूमन हेयर कितना था? 50 माइक्रोन। और अब हम वायरस की बात कर रहे हैं, वो कितना है? अबाउट 100 नैनोमीटर्स, है ना, इन 1000वां हिस्सा है उसका। तो अब अगर हमको इस लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, जो कि ये इन्फ्लुएंजा का वायरस है, फ्लू का वायरस है या सार्स का वायरस है, इस ऑर्डर का है। और आप ये जो कंप्यूटर, जो जिस कंप्यूटर पे मैं लगा रहा हूँ, जिस कंप्यूटर से मैं काम कर रहा हूँ, वो करीब 40 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से बना है। इसका मतलब क्या हुआ? वो वायरस से छोटे ट्रांजिस्टर्स बनाए गए हैं। कोविड का वायरस 100 नैनोमीटर के आसपास का है और इस कंप्यूटर में जो ट्रांजिस्टर लगा है वो कोविड के माइक्रोन, कोविड के डायमीटर से आधा है। और जो लेटेस्ट कंप्यूटर जो आया है वो 6 नैनोमीटर पे आया है। तो अब कितने कितने ट्रांजिस्टर्स हैं इसमें? 1 ट्रिलियन ट्रांजिस्टर्स। 1 ट्रिलियन यानी आप ये जीरो गिन लीजिए, यहां 1,10,00,000 यानी 1 मिलियन होता है, 1 करोड़ के सामने 7 जीरो होते हैं, 1 बिलियन के सामने 9 जीरो होते हैं और 1 ट्रिलियन यानी 1,000 बिलियन 12 जीरो होते हैं। इतने ट्रांजिस्टर्स एक चिप में लगे हुए हैं और उसका जो स्मॉलेस्ट ट्रांजिस्टर है वो 40 नैनोमीटर का है इस कंप्यूटर में, और जो लेटेस्ट कंप्यूटर आया है उसमें 6 नैनोमीटर का। तो अब आप लोग अंदाज लगाइए कि आप लोग ने जो इतना साइंस का एग्जीबिशन लगाया बाहर, उसमें आपने फैब्रिकेशन किया होगा, बड़े बड़े फैब्रिकेशन किया, उसके भी छेद आपको मिला नहीं पा रहे थे आप, कभी टाइट करते थे तो टेढ़ा हो जाता था, कभी टाइट ढीला करते थे तो गिर जाता था, हाँ तो वो तो मीटर में थे या सेंटीमीटर में थे। और ये कंप्यूटर जो है पिछले 15 साल से चल रहा है, 40 नैनोमीटर के 1 ट्रिलियन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स को एक लॉजिक सर्किट में इसके माइक्रोप्रोसेसर में लगाया गया। तो ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड में अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहा है, वो तो एटॉमिक स्केल का हो गया, एंगस्ट्रॉम स्केल्स के ऊपर आप बात कर रहे हैं। ऑलरेडी 2016 में IBM ने बना दिया है उसको, 2016 में। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ये लोग जो हैं इनको कोई जादू की छड़ी नहीं मिली हुई है कि वो जादू की छड़ी से यहाँ तक पहुँच गए। दो चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस, रिस्क टेकिंग और हार्ड कोर साइंस, हार्ड कोर अंडरस्टैंडिंग। जब तक वो नहीं करेंगे, जब तक कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, जब तक टोकते रहेंगे आप लोग की भाषा में, तब तक इस टेक्नोलॉजी के लेवल पे हमारा समाज नहीं पहुंच सकता। तो फिर बात चलते हैं कि हम तो जुगाड़ करते हैं, इसकी बात होती है, जुगाड़ से क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रूगल इनोवेशन या जुगाड़, ये कभी कभी आपस में नाम लेते हैं, ऑल्दो जुगाड़ इज नॉट फ्रूगल बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो जुगाड़ में क्या है कि जब आप किसी टापू पे, अगर मान लीजिए आप मरूंड हो गए, आजू बाजू कोई जहाज नहीं है, आप बचने का प्रयास कर रहे थे, गिर जहाज डूब गया, आप तैरते तैरते टापू पे पहुंच गए, अब आपको वहां सर्वाइव होना है। तो ऐसे सर्वाइवल के एटमॉस्फेयर में जुगाड़ काम करता है। ये इस तरीके से जो देखा द ग्रेट इंडियन जुगाड़, यू नो, फाइंडिंग लो कॉस्ट सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, न्यू वे टू थिंक कंस्ट्रक्टिवली, बहुत अच्छी बात है। अभी हमने कुछ जुगाड़ की टेक्नोलॉजी बाहर भी देखी,
एक तेल के कनस्तर से उन्होंने एक बढ़िया सा पंखा बना दिया, वो कूलर बना दिया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जुगाड़ है वो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आज टेक्नोलॉजी डे के दिन कि इस टाइप के जुगाड़ से आप सर्वाइव कर सकते हैं, शायद कुछ पैसे भी बना सकते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये जुगाड़ की माइंडसेट जो है ये अच्छा माइंडसेट है, बुरा नहीं है। लेकिन हथौड़ी से आप क्या क्या कर सकते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। हथौड़ी से खीला ठोक सकते हैं, हथौड़ी से ड्रिल नहीं कर सकते, स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डोसे को पलटना है तो स्क्रू ड्राइवर काम नहीं आएगा। डोसे को पलटने के लिए हमको करछी चाहिए, उसका डिजाइन अलग है, उसकी सोच अलग है। तो कौन से टूल से आप क्या कर सकते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए। तो जुगाड़ से हम एक लेवल तक पहुंच सकते हैं, जो ऑपरेशन हम 100 रुपए में करते थे उसको शायद हम 80 रुपए में करने लगेंगे। लेकिन जो परिकल्पना हमारे मन में भारत को ले जाने की है, वहां तक पहुंचने के लिए साइंस पढ़ना पड़ेगा। और फिर केवल साइंस पढ़ के भी कुछ नहीं होगा, उस साइंस को पढ़कर नए टेक्नोलॉजी में डेवलप करने के लिए आपको हाथ से काम करना पड़ेगा, आपको इसमें खटना पड़ेगा। ये सब टेक्नोलॉजी बनाने में 20-30 साल लग जाते हैं 100 लोगों की टीम को। तो जब तक ये माइंडसेट नहीं आएगा हमारा कि बिना मेहनत के केवल जुगाड़ से हम ऑर्बिटर नहीं भेज सकते, हम 6 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर जो है वो एक इतने से चिप में नहीं बैठा सकते, वो जुगाड़ से नहीं होता है। उसके लिए हार्ड कोर साइंस पढ़ना पड़ता है, हार्ड कोर इंजीनियरिंग करना पड़ता है। तो जुगाड़ से कई चीज़ें कर सकते हैं जैसा मैंने बताया, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है, उस टूल का एक लिमिटेशन है, ये आप लोग को समझना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हम देखते हैं, बड़े खुश होते हैं उसमें, लेकिन वो खुशी का एक लिमिटेशन है, क्योंकि इस टूल से हम केवल एक स्टेप ले सकते हैं, हम चांद पे नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए इस टाइप के जो चीज़ें हैं, जो जुगाड़ हैं, उनको लगाइए, लेकिन उसका लिमिटेशन भी समझिए। ये मैं शायद आपको बताना चाहता हूँ। और लास्ट में, अंत में, मैं एक और शब्द जो हमारे समाज में बहुत चलता है, वो है चलता है। सब लोग बोलते हैं ये, मम्मी बोलती है बेटा ठीक से कंघी कर लो, अरे चलता है। मम्मी बोलती है बेटा बस्ता साफ कर लो, अरे मम्मी चलता है, थोड़ी बहुत गंदगी चल जाती है। टीचर बोलता है बेटा जब ज्योमेट्री करते हो लाइन अच्छे से बनाया करो, ऐसा चल जाता है। 59.5 आ रहा, 60 लिख दिया, क्योंकि पता है 60 आंसर है। तो ये मानसिकता जो है यार चलता है, इससे एक्सीलेंस नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आप 100 में से 100 नंबर पा लीजिए साइंस में, आप 100 में से 99 नंबर साइंस में पा लीजिए, लेकिन यदि चलता है कि मेंटालिटी आपके मन में घर कर गई है, तो आप एक्सीलेंट नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे, नंबर कितने भी आ जाए। तो ये इस बात को हम लोग आज टेक्नोलॉजी डे के दिन, हम एटलीस्ट ये जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, ये मन में ये पक्का कर लें कि जो जिन लोगों ने इंटेल की चिप डिज़ाइन की है, जिन लोगों ने लेज़र वेपन बनाया है, जिन लोगों ने बड़े बड़े जहाज डिज़ाइन करके पानी में चला रहे हैं, उनकी लाइफ में, उनकी मानसिकता में चलता है ये शब्द नहीं था, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि जिस दिन आपने ये शब्द से आत्मसात कर लिया, जिस दिन आप चलता है से आप कंफर्टेबल हो गए, उस दिन आप जो है वो फ्लैट हो गए, उस दिन आप एसिम्प्टोटिक हो गए, उस दिन आपका एक्सीलेंस की तरफ बढ़ने की जर्नी जो है वो रुक गई। तो ये मैसेज टीचर्स को भी जाना चाहिए, ये मैसेज प्रिंसिपल्स को भी जाना चाहिए, ये मैसेज स्कूल के बच्चों को भी जाना चाहिए, और ये मैसेज पेरेंट्स को भी जाना चाहिए कि हम चलता है ये शब्द से हम निजात पाएंगे, ये समाज निजात पाएगा, उसी के बाद हम एक्सीलेंस की जर्नी जो है वो हमारी स्टार्ट होती है। तो फाइनली अगर आप चलता है बोलेंगे तो इस प्रकार के डिजाइन बनेंगे जो चलते नहीं है, प्रोटोटाइप बनेंगे जो आगे नहीं जाते हैं, छोटे छोटे मॉडल्स बनेंगे जो आगे नहीं जाते, क्योंकि आपने बोला अरे चलता है यार लगाओ, कल दिखाना है, मैडम ने बोला है, कर दिया कुछ भी। सीधी लाइन कभी सीधी नहीं होती, 90 डिग्री कभी 90 डिग्री नहीं होता, और हमारा समाज इसको एक्सेप्ट करता है, हमारे इंजीनियर्स इसको एक्सेप्ट करते हैं।
आप इस कमरे में देखिए, कई जगह आपको दिखेगा कि सीधी लाइन है, सीधी नहीं है, लेकिन हमने एक्सेप्ट किया उसको। हमारा समाज बोलता है ठीक है, क्या प्रॉब्लम। इसका मतलब ये ऑडिटोरियम कभी भी एक्सीलेंट नहीं बन सकता, सीधी बात। तो अगर आप लर्निंग, अगर केवल लर्निंग करते हैं तो आपका रिटेंशन बहुत कम होता है, रीडिंग करते हैं, ऑडियो विजुअल देखते हैं तो थोड़ा अटेंशन आपका पड़ता है, 20-30% हो जाता है। ये मेरा माउस वहां दिखता नहीं है। उसके बाद जब आप when you start actually practicing, then your retention becomes 75%. And when you teach others what you have done, then your retention is more than 90%. So all work and no play will make for a dull boy. So aapko, you have to do things by your own. Okay, then only, and then you have to teach somebody. जो हमको समझ में आ गया वो बगल वाले को बिठा के सुना दो। कविता सुनाने वालों को बड़ा क्रेज होता है कि जैसे माइक मिला दो तीन कविता सुना देते हैं। ट्रेन में कोई बगल में मिला उसको कोई सुना देते हैं। शेर बोलने वाले जो है जहां मौका मिलता है दो सुना देते हैं। इसी प्रकार से अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल अगर आपको समझ में आ गया, किसी को बैठा के सुना दो, बगल वाले को पढ़ा दो, एंड देन योर रिटेंशन विल गो अप, यू विल देन स्टार्ट। फिर तुमको भी समझ में आएगा। आज भी जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने जाते हैं, 20 साल के बाद भी जाते हैं, तो क्लास प्रिपेयर करके जाते हैं और कई बार लगता है अरे ये तो पता ही नहीं था, ऐसा कुछ गड़बड़ बोल रहे थे शायद इतने साल होता है। तो ये अभी भी होता है। तो ये लर्निंग की प्रक्रिया चलती रहती है। जितना पढ़ाओगे दूसरों को उतना आपका भी फंडा क्लियर होगा। सो फाइनली जो है वो ये है कि हम लोग सब सदिश जानते हैं ना, वेक्टर जानते हो। तो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड तो मुझे दिखाई देता है, इस हॉल में बहुत मैग्नीट्यूड है। अगर इस बॉटल को मेरे को ऊपर उठाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे में मैग्नीट्यूड है इसको उठाने का, लेकिन मैं यदि ऐसा करके बैठूं तो क्या होगा, बोतल उठेगी क्या, नहीं उठेगी। फोर्स है मेरे पास इस बोतल को उठाने का, लेकिन मेरे को किसी ने बताना चाहिए कि बेटा ऐसे करके नहीं होगा, इसको ऊपर से पकड़ो और ऐसे उठाओ, फोर्स की डायरेक्शन को बदलो, तो क्या होगा, बोतल ऊपर उठेगी। तो इसी प्रकार से आज समाज की डायरेक्शन को बदलने की जरूरत है। मैग्नीट्यूड की कमी नहीं है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड की कमी नहीं है। टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेक्टर हमारे स्केलर स्कूल से बाहर नहीं निकलने चाहिए। क्या निकलना चाहिए स्कूल से, वेक्टर बाहर निकलना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए उसका और डायरेक्शन भी होना चाहिए। अगर ये हम करेंगे हाँ, और इसके लिए मेहनत लगती है, ये चलता है से नहीं होगा, ये जुगाड़ से भी नहीं होगा, इसके लिए हार्ड कोर मेहनत करनी है। और ये कोरिया के समाज ने, ताइवान के समाज ने, जापान के समाज में, अमेरिका के समाज ने, जर्मनी के समाज में, जब पूरा ध्वस्त हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब पूरा, मैं हिरोशिमा गया हूँ जहाँ पे बम गिरा था, उस लोकेशन पे मैं गया हूँ और उसके फोटो मैंने वहाँ देखे म्यूजियम में। और आज आप जाके देखिए वहाँ पे हिरोशिमा में, आपको विश्वास नहीं हो सकता जब तक बताएंगे नहीं कि इस जगह पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था। तो ये चलता ऐसे नहीं हुआ, ये जुगाड़ से भी नहीं हुआ। उस समाज ने ये बीड़ा उठाया कि मैं अपने देश को बदलूंगा, ये मेरा देश है। तो जिस दैदीप्यमान भारत की हम परिकल्पना करते हैं, उस दैदीप्यमान भारत को वहां पहुंचाने के लिए हम सभी को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि ये मेरा देश है और मैं इसको विश्व गुरु बनाऊंगा, और वो जुगाड़ से नहीं बनाऊंगा, वो चलता है बोल के नहीं बनाऊंगा। तो अगर ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है तो मैं समझता हूं कि जो टेक्नोलॉजी डे का जो हमारा जो मिशन है, जो टेक्नोलॉजी में अमर उजाला ने जो इतना बड़ा कार्यक्रम जो किया है वो अगर सफल बनाना है तो एक टेक होम मैसेज ले जाइए यहाँ से कि मैं चलता है को अपने लाइफ से निकाल दूंगा और तभी मैं एक्सीलेंस का जो दरवाजा है वो खुलेगा मेरे लिए। तो मैं स्वामी विवेकानंद के एक बहुत अच्छे कोटेशन से मैं ये अपना वो समाप्त करता हूँ, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। सो द क्वेश्चन इज, आर यू रेडी टू टेक इंडिया टू न्यूअर हाइट्स। Thank you very much.